एजुकेशन एमसीजीएम वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात तुम, मजमून रियाजी, अदद के पड़ोसी अदद से लगा हुआ पिछला और अगला अदद। आज का हमारा ये उनवान है। आज हम यही सीखेंगे प्यारे बच्चों कि अदद के पड़ोसी अदद से लगा हुआ पिछला अदद और अगला अदद। एक अदद लेंगे, उसके आगे कौन सा अदद है और उसके पीछे कौन सा अदद है ये हम जानेंगे। अफा नंबर 38। सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर 38। Numbering numbers on each side. Today we are going to learn numbering numbers on each side. अददी खत ऐसा होता है। खत के बाएं जानिब सिफर की निशानी होती है। सहूलत के मुताबिक वहां से कम फासला लेते हुए एक के बाद एक गिनते हुए एक जैसे फासले पर 1, 2, 3, 4 अदद लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अददी खत ऐसा होता है कि खत के बाएं जानिब सी
सीफर की निशानी होती है। ये आप देख रहे हैं, पहले सीफर लिखा जाता है, ये खत है और इस पे हम अदद बनाएंगे, इसलिए ये खत क्या कहलाएगा, अददी खत। और सबसे पहले हम बाएं जानिब सीफर लिखेंगे और फिर सहूलत के मुताबिक वहां कम फासला लेते हुए, फिर इसके बाद गिनते हुए एक जैसे फासले पर एक जैसे फासले पर हम दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। प्यारे बच्चों, आप तो गिनती जो है वो आप जानते हो, गिनती गिनते हो आप, है ना। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये सभी एक ही एक जैसे फासले, इनके बीच में जो फासले एक जैसे हैं। हाँ, तो पहले खत के बाएं जानिब सीफर की निशानी होती है और फिर वहां से जब एक के बाद एक गिनते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक फासले पर अदद लिखे जाते हैं। इसी तरह लाइन से जो है एक के बाद एक अदद लिखते हुए जाते हैं। हम दूसरी एक और मिसाल देख लेंगे, ये है अददी खत। ये जो है खत, उसको हम अददी खत बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा अदद ले रहे हैं प्यारे बच्चों, हम ले रहे हैं बत्तीस, है ना। तीन और दो, तीस और दो, बत्तीस, ये अदद हमने ले लिया। अब आप बताओ प्यारे बच्चों कि बत्तीस के बाद कौन सा अदद आएगा, इसके फौरन बत्तीस की आगे वाला अदद कौन सा है, तैतीस। बिल्कुल सही, तैतीस। इसके बाद का फौरन वाला अदद चौतीस, वेरी गुड। इसके बाद का अदद पैतीस, इसके बाद का अदद छत्तीस, उसके बाद का अदद सैतीस, और उसके बाद का अदद अड़तीस, वेरी गुड। तो आप समझ गए हो प्यारे बच्चों कि हम एक के जो एक अदद है उसके आगे का अदद हम लिखते हैं, है ना। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, इस तरह से ये खत आगे बढ़ते ही जाता है। ये अददी खत इस तरह से हम बना सकते हैं। कोई भी अदद ले लीजिए आप, यहाँ जैसे हमने ले लिया 25, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से। अगर हमने ले लिया 45, 45, 46, 47, 48, 50, 50, इस तरह से हम गिनेंगे। अगर हमने ले लिया 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, इस तरह से अदद एक के बाद एक आते हुए जाएंगे। तो समझ गए प्यारे बच्चों आप, आगे बढ़ते हैं। Here is how we get a number line. A mark made from the number 0 at the left side of a line. From there, counting forward towards the right, the numbers 1, 2, 3, 4 are marked at equal distance. Here is a left side of a line. From there, counting forward towards the right, the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 are marked at equal distances. देखो बच्चों किस तरह से नंबर एक के बाद एक आते हैं. सबसे पहले आया 0, उसके बाद 1 यानी 1, उसके बाद 2 यानी 2, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. एक के बाद एक नंबर आए. अब हम देखेंगे कि उससे पहले नंबर, अदद के पहले वाला नंबर. देखो बच्चों 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस खत का कोई भी एक हिस्सा दे, इस खत का कोई भी अदद मान लो 23, ये अदद लिया जाए. अगर हम 23 ये अदद मान लेंगे या लेंगे बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस. हमने 23 अदद मान लिया है ना? तो हमको क्या देखना है, 23, ये अदद 23 है. 23 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 22 है और 23 से जुड़ा हुआ बाद का अदद 24 है. 23 से पहले 22 आएगा और 23 के बाद 24 आएगा. क्या समझ में आया? किसी भी अदद के बाएं तरफ का यानी अदद से पहले जुड़ा हुआ अदद एक से कम होता है, इसी तरह दाएं जानिब यानी अदद से आगे जुड़ा हुआ अदद. प्यारे बच्चों किसी भी अदद, ये समझो हमने 23 दे दिया, अदद के बाएं तरफ का अदद जो जुड़ा हुआ होता है पहले का अदद, बाएं तरफ का यानी इस अदद के पहले वाला अदद जैसे 22 है, तो ये अदद जो है वो इस अदद से एक कम होगा. यानी 22 जो है वो 23, 23 से कम होगा 22. 23 में अगर एक कम करेंगे तो हमको मिलेगा 22. यानी जो अदद है उसके बाएं का अदद जो होगा वो उससे एक कम होगा और जो दाएं जानिब का अदद यानी आगे जुड़ा हुआ अदद जो है वो एक ज्यादा होगा, अदद से एक ज्यादा होगा. दाएं तरफ अदद से एक कम होगा अदद और बाएं तरफ जो है वो एक कम होगा और दाएं तरफ एक ज्यादा होगा. जो 23 है, 23 से जुड़ा हुआ पहले का अदद जो है वो 22 है यानी एक कम, 23 से एक कम 22, और 23 से आगे का जुड़ा हुआ अदद एक ज्यादा हो यानी 24. इसको हम पढ़ेंगे 22,
23, 24, है ना। तो इस तरह हम और एक मिसाल देख लेते हैं। एक मिसाल और देख लेते हैं हम, है ना। इस खत का कोई भी एक हिस्सा देखो, इस खत को कोई भी अदद मान लो 65, ये अदद लिया जाए तो, अगर हमने 65 लिया है, हाँ 65, 60 और 5 65, 64, 65, 66, 67, 68, 79, तो हमने 65 ये अदद लिया, ये यहाँ 65 है, इससे पहले 64 है, उससे पहले उसके बाद 66 है, 67 है, 68 है, यानी एक एक अदद जो है उसमें जुड़ते हुए जा रहा है, एक एक अदद बढ़ते हुए जा रहा है। पैंसठ, तो 65 अदद से जुड़ा हुआ पहले का अदद क्या है 64, और 65 के बाद का जुड़ा हुआ अदद क्या है 66, यानी 65 से एक कम 64 और 65 से एक ज्यादा 66। क्या समझ में आया, हमने क्या समझा प्यारे बच्चों? किसी भी अदद की बाएं तरफ यानी अदद से पहले जुड़ा हुआ अदद एक से कम होता है, इसी तरह दाएं जानिब यानी अदद से आगे जुड़ा हुआ अदद एक से ज्यादा होता है। किसी भी अदद की बाएं तरफ का अदद यानी पहले का अदद, पहले जुड़ा हुआ अदद एक से कम होता है, और उसके दाएं जानिब यानी आगे का जुड़ा हुआ अदद एक से ज्यादा होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 20 रुपया है ना, अगर मैं उसमें से एक कम कर दूं तो आपके पास 19 बचेगा, और अगर मैं उसमें एक रुपया और मिला दूं तो कितना हो जाएगा 21। समझ में आया प्यारे बच्चों? Look at any part of this line. Let us take any number on this line. Say 23. The number before is 22, 23, 24 is the number is after. What do we see? For any number, the neighbor on the left is one less, and the neighbor on the right is one more. खाली चौकोन में अदद से पहले का अदद और अदद के बाद का अदद लिखो। अदद है 54। 54 से पहले का अदद, 54 से एक कम, 54 से पहले का जुड़ा हुआ अदद 53 होगा, और 54 के बाद का जुड़ा हुआ अदद 55 होगा, 54 से एक कम यानी 53 और 54 से एक ज्यादा यानी 55। अदद है 37,
37 से पहले का जुड़ा हुआ दत्त, 37 से पहले जुड़ा हुआ दत्त 36 है, और 37 के आगे का यानी 37 के बाद का अगला अदद, 37 के अगला अदद जो है वो 38 है। 37 से जो जुड़ा हुआ पहले का अदद है वो 36 है, यानी 37 से कम, और 37 से के बाद का अगला अदद जो है वो 38 है, यानी 37 से एक ज्यादा 38। 50 अदद है 50, और 50 से पहले का अदद, 50 से पहले का जुड़ा हुआ अदद 49 है, और 50 का अगला अदद, 50 से जुड़ा हुआ अगला अदद 51 है, यानी 50 से पहले 49, यानी 50 में एक कम 49, और 50 के अगले वाला 51, यानी 50 में एक ज्यादा 51। 50, 51, तिरपन, 54, 55, 36, 37, 38, 50, 51। अदद है 39। 39 से पहले का अदद, 39 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 38, और 39 से जुड़ा हुआ 39 के बाद का अदद 40, 39 से एक कम 38, 39 में एक ज्यादा 40, तो 38, 39, 40। 79, 78, 80। तो 79 से एक कम 78, और 79 से एक ज्यादा अदद अगला अदद 80 है। 79 में एक कम अदद अगर हम लिखें तो 78 होगा, यानी 79 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 78, और 79 से बाद में जुड़ा हुआ अदद 80। अदद है 62। 62 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 61, 62 से जुड़ा हुआ बाद का आगे का अदद 63, 61, 62, 63, यानी 62 से कम 61, 62 से एक कम 61, और 62 से एक ज्यादा 63। 78, 78 से पहले एक कम, 78 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 77, और 78 से जुड़ा हुआ अगला अदद 79। तो अगर 78 में एक कम के तो 77, और 78 में एक मिला दिए तो 79, 77, 78, 79। अदद है 30। 30 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 29, 30 से जुड़ा हुआ अगला अदद 31, तो 29, 30, 31, 30 जो है वो अदद है, अगर एक कम कर दें तो पिछला अदद बनेगा 29, और अदद और 30 में एक मिला दे तो अगला अदद मिलेगा हमको 31। अदद है 40। 40 से पहले का, 40 से जुड़ा हुआ पहले का अदद है 39, 40 से जुड़ा हुआ अगला अदद है 41, 40 में अगर एक कम करें तो 39, 40 में एक मिला दें तो 41, 39, 40 के बाद शुरू होगा 41। अदद है 99। 99 से जुड़ा हुआ पहले का अदद 98, और 99 से जुड़ा हुआ अगला अदद है 100। अगर 99 में एक कम कर दें तो पहले का अदद मिलेगा हमको 98, और 99 में एक मिला दें, जमा कर दें, तो अगला अदद हमको मिल जाएगा 100। 98, 99, 100।
अदद है 32। 32 से पहला, 32 से जुड़ा हुआ पहला अदद जो है वो 31, और 32 से जुड़ा हुआ अगला अदद है 33। 32 में अगर हम काम करते हैं तो 31, यानी 32 से पहले 31 आता है और फिर 32 के बाद आता है 33। 32 में एक मिलाए तो 33, यानी 32 से पहले आया 31 और 32 के बाद आया 33। 31, 32, 33। अदद है 68। अदद से पहले जुड़ा हुआ पहला अदद, अदद 68 से पहला अदद, तो अदद जो है वो 68 से जुड़ा हुआ पहले आएगा 67, और 68 से जुड़ा हुआ अगला अदद जो आएगा वो 69। 67, 68, 69। इस तरह से हमने देख लिया कि अदद के पहले क्या आएगा और अदद के बाद क्या आएगा। प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि अदद के पहले कौन सा अदद आएगा और अदद के बाद कौन सा अदद आएगा ना प्यारे बच्चों। वेरी गुड, शाबाश। Comes immediately before 99.
100 comes immediately after 99. 31 comes immediately before 32. 33 comes immediately after 32. 68, 67 comes immediately before 68. 69 comes immediately after 68. 70. प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो जरूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।